हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू बीइंग। आई नो हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सभी लोगों का मोस्टली फास्ट होगा, तो हाँ हमारे घर में भी हम लोग पूजा करेंगे, फास्ट भी है। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ, जस्ट फटाफट से काम फिनिश करने लग गई हूँ। पीछे पूजा के लिए ताज़ा घी निकाल रही हूँ मैं, और इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और स्पेशली जैसा कि हमेशा होता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है उसी दिन काम वाली दीदी छुट्टी कर लेती हैं, तो आज भी वो नहीं आई है। घर का सारा काम भी करना है, पूजा भी करना है, खाना पीना भी बनाना है, तो मैं और फ्लोरेंस मिलके घर के काम ख़त्म कर रहे हैं। इतना कोल्ड कैसे हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, सबको बड़ी खांसी खांसी हो रही है। हमें को भी खांसी हो रही है, फ्लोरेंस को भी, लकीली मैं बची हुई हूँ बस अभी तक। तो हम दोनों मिलकर काम फिनिश कर रहे हैं, और अमित का कल एक टास्क बच गया था तो वो अपना भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद फटाफट से नहा धो के पूजा की तैयारी करेंगे एंड देन पूजा करेंगे, और पूरा दिन आज का मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो चाय बनकर रेडी हो गई है, फटाफट से चाय पी लेते हैं। पहले पूजा के लिए जो घी निकालना था वो भी रेडी हो गया है, और इधर आलू उबालने रख दिए मैंने फास्ट के लिए। दूसरी साइड लगा हुआ है बर्तनों का ढेर, अभी ये भी साफ करना है। खुल गया नहीं? फ्लोरेंस झाड़ू पोछा में हेल्प कर रही है, मैं बर्तन एंड किचन के सारे काम ख़त्म करती हूँ फटाफट से। हाँ, ये पूजा की थाली मैंने तैयार कर दी है। ये भोग, और इसमें है भांग के पत्ते, धतूरे, बेलपत्र और फूल। तो फटाफट से मैं अमित को देती हूँ पूजा के लिए। कोई नाही सेव इस दुख रस ताहि भेद माही महिमा तब गाई अकत नादि भेद नहीं पाई प्रकटी उदति मंदल में ज्वाला। गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा का सारा सामान चढ़ाने और दूध चढ़ाने शिवलिंग पे। तो पार्किंग में आए हुए हैं गाड़ी निकालने के लिए, और यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है मेरी क्योंकि कोई भी नहीं है। ओह माय गॉड, गुड मॉर्निंग, अब दिखाए सूरज। आ गए मंदिर पर, लगता है काफी अच्छी खासी भीड़ है आज। यहाँ से काफी अच्छी खासी भीड़ शुरू हो गई है, और आज के दिन की तो बात ही अलग होती है। एज अ फेस्टिवल सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अंदर तक के लिए पूरी लाइन लगी पड़ी है, काफी लंबा टाइम लगने वाला है आई थिंक। सो गाइज, इस तरीके से कुछ हमने शिवरात्रि सेलिब्रेट की। मैं तो नहीं कर पाई, अमित ने करी, बिकॉज मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है अभी। तो अभी मैं और फ्लोरेंस आए हुए हैं बाहर मार्केट के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को शायद पता भी होगा 20th को हमारी एनिवर्सरी है, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पूरी साल एक हमको कम्प्लीट हो गई है। तो उसके लिए प्लान्स तो हमारे कुछ और थे, बाहर जाने का भी प्लान था, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई सडन बीच में, ना तो अमित को ऑफ मिल पाया, टास्क आ गया बीच में, और भी एक दो रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। प्लान कैंसिल क्या, पोस्टपोन्ड हो गया है, अब आगे जाएंगे। ओह माय गॉड, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना घर पे ही हम थोड़ा थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं अपनी, हमारी क्योंकि पहली एनिवर्सरी है तो कुछ तो करना बनता है, और बाहर भी जाएंगे होपफुली। तो मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेने आई थी, और फिर कल तीनों मिलके कुछ अच्छा सा डेकोरेट करते हैं, देना आपको दिखाएंगे, और देन आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमने एनिवर्सरी का डेकोरेशन एंड सेलिब्रेट किया अपना। उसका व्लॉग तो ऑफ कोर्स अलग आएगा ही आएगा। तो ये है डेकोरेशन का सामान जो भी मैंने मार्केट से मिला खरीदा। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो मैं वहाँ से रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यही थोड़ा कुछ सामान था जो मुझे यहाँ से मिल पाया। और मैं अमित के लिए ये कुटू की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, रात का उनका डिनर, और इसी के साथ करते हैं व्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है हमारा एनिवर्सरी का व्लॉग। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।